हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रशी राव एंड वेलकम टू पिंक फॉरेस्ट विला। वेल, आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ डी मिलान क्रीम के बारे में। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसकी बहुत सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलेगी। एंड ऑल्सो मैं आपको बता दूँ कि अभी के जो यूट्यूबर्स हैं वो डी मिलान क्रीम को बता रहे हैं, बट मैंने पाँच साल पहले एक्चुअली इसके बारे में बात की थी। एंड ऑल्सो देर इज़ अ वन डॉक्टर जिन्होंने मेरी वीडियो के अंदर कमेंट भी किया था। आज वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी यूट्यूबर बन गई है, बट जो है मैं बहुत पहले इसकी वीडियो लेके आई थी एंड उन डॉक्टर से पहले लेके आई थी ये वीडियो में। सो इसके बारे में मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, डेफिनेटली ऑब्वियसली डॉक्टर जानते हैं, बट मैं यूट्यूब की बात कर रही हूँ, तो इसके बारे में जरूर पूरी बात करेंगे। एंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि डी मिलान क्रीम क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है। एंड डेफिनेटली ये ओवर द काउंटर मौजूद है, तो आप खरीद भी सकते हो, अमेजोन पर भी इजिली मिल जाता है, एंड जो आपकी फार्मेसी है लोकल फार्मेसी वहां पर भी मिल जाता है। डी मिलान क्रीम जो है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जब भी आपके ब्राउन स्पॉट, ब्लैक स्पॉट्स, जब आपके ऐसे मलाजमा, हाइपर पिगमेंटेशन, ये सारी चीजें जो होती हैं उनको जब आप ट्रीट करवा रहे हो तो डॉक्टर से, तो वो आपको हाइड्रोक्विनोन प्रिस्क्राइब करते हैं। जब वो हाइड्रोक्विनोन प्रिस्क्राइब करते हैं जो है, तो आपकी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है और आपको डे टाइम में डी मिलान क्रीम जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड है, आर्बुटिन है, कोजिक एसिड है, ये जो तीनों इंग्रेडिएंट है ये आपके स्किन को पिल करते हैं एंड आपके ऊपरी सरफेस को भी साफ करते हैं। जब आप हाइड्रोक्विनोन लगा के हो जाते हैं तो डे टाइम में आपको जो कोजिक एसिड अप्लाई किया जो है ये डी मिलान क्रीम दी जाती है। अब आप बात सुनिए कि ये तो हो गया हाइड्रोक्विनोन की बात, लेकिन जब आपका हाइड्रोक्विनोन का प्रिस्क्रिप्शन पूरा खत्म हो जाता है तब ये आपको रात में लगाने के लिए दी जाती है और ये आपके हाइपर पिगमेंटेशन को वापस ना ले आए, दैट्स वाई ये दी जाती है। ये जो क्रीम है इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड जो कि आपके स्किन को पील करने का काम करता है, आपकी ऊपरी सरफेस, अगर आपका मेलाज्मा बहुत ही हल्का अपर लेयर पे है तो ये उसको साफ करेगा, ये बहुत गहरे मेलाज्मा के लिए यूज नहीं किया जाता। ऑल्सो इसके अंदर आर्ब्यूटिन है, तो जो आर्ब्यूटिन है वो स्किन लाइटनिंग एजेंट है डेफिनेटली, एंड हाइड्रोक्विनोन की टक्कर का ही होता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स कोई नहीं होते। ऑल्सो इट हैज अ कोजिक एसिड जो कि एक फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, तो ये जो कोजिक एसिड है ये भी स्किन लाइटनिंग एजेंट है, तो ये आपके डार्क स्पॉट्स, मलाजमा, हाइपर पिगमेंटेशन, इन सब चीजों के लिए काम आता है। बट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि इन क्रीमों को आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यूज ना किया कीजिए। इन क्रीमों को यूज करने से आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा ब्लैक भी हो सकती है अगर आपने इसको ठीक से यूज नहीं किया तो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एक्चुअली, तो ये मैंने 4 साल पहले यूज की थी क्रीम, एंड इसको यूज करने के बाद मेरी स्किन बहुत ज्यादा ब्लैक हो गई थी, बिकॉज मेरे को पता ही नहीं था उस टाइम पे, एंड देन आफ्टर दैट मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो ये जो क्रीम है ये डे टाइम में आप यूज करोगे तो आपको बहुत ही एक अच्छा सनस्क्रीन अप्लाई करना है, और अगर आप इसको रात टाइम में यूज कर रहे हो तब भी आपको एक बहुत अच्छा सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल्सो ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, तो इसको आप ओवर द काउंटर खरीद के ना यूज कीजिए, क्योंकि आप इसके बेनिफिट लेने की बजाय आप इसे नुकसान ही ले लोगे। दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट कि ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आई थिंक ये आपको प्रिस्क्रिप्शन से ही यूज करना चाहिए। अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करूँ तो इसके अंदर 10% ग्लाइकोलिक एसिड है, 5% आर्ब्यूटिन है एंड 2% कोजिक एसिड है, विच इज परफेक्ट। यू नो आर्ब्यूटिन सिरम भी आप लेते तो उसके अंदर 2% आर्ब्यूटिन होता है एंड इसके अंदर 5% आर्ब्यूटिन है, जो कि काफ़ी अच्छा है। फार्मेसी, इंडियन फार्मेसी के हिसाब से ये बहुत अच्छी क्रीम है। अगर आप कोई आर्ब्यूटिन सिरम यूज़ करते हो और आपको उसके रिजल्ट प्राप्त नहीं होते हैं तो आप डेफिनेटली डी मिलान क्रीम नाइट टाइम में यूज़ कर सकते हो एंड डे टाइम में भी, बट एक अच्छा SPF जरूर होना चाहिए। जब भी आप इस क्रीम को यूज़ कर रहे हो ध्यान रखें मुंह पर कपड़ा रख के जाना है, वरना आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्लैक हो सकती है, और सनस्क्रीन हमेशा यूज़ करना है। अगर आपको कहीं से भी इचिनेस, जलन, अगर आपको इस तरीके की फीलिंग आ रही है तो इसको एकदम डिसकंटिन्यू कर देना है, बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। बट मैं फिर से एक बार बोलूंगी कि आप इसको डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके जो है ले, आप जा सकते हैं अपने डर्मेट के पास एंड उनसे बोल सकते हैं कि आपको ये जो क्रीम है वो प्रिस्क्राइब कर दे, देन यू विल कैन यूज इट। ओवर द काउंटर खरीद कर अगर आप यूज करते हो तो आप डेफिनेटली बेनिफिट तो नहीं ले पाओगे बट इसके नुकसान जरूर ले लोगे, तो वो मैं तो नहीं चाहती बिल्कुल कि आपको ऐसा हो। ग्लेनमार्क जो है फार्मेसी इसको बनाती है एंड ऑल्सो ये 20 ग्राम की आती है। प्राइस वाइज अगर मैं बात करूं तो ये 415 रुपए में जो है आपको प्रिंटेड रेट पर, यानी 450 तक भी आपको ये मिल जाता है, बट अमेजोन से डिलीवरी चार्जेस एंड ऑल लगा के आपको 600-700 तक की क्रीम मिल जाती है, उससे सस्ते में आप जो इंडियन फार्मेसी से ले सकते। बट ये बहुत गहरे मलाजमा पर काम नहीं करेगी, उसके लिए आपको डॉक्टर से हाइड्रोक्विनोन या फिर जो है
स्किन जी नहीं यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तो तभी जाके आपका हाइपरपिगमेंटेशन जाएगा। और आयरन और अपना जो है ये ब्लड टेस्ट आप जब कराओगे तब आपको पता चलेगा कि आपको जो है एक्सेसिवली जो मेलाज्मा हो क्यों रहा है, ठीक है। सो ये पूरी डिटेल जो है डीमिलान क्रीम की है। आई थिंक जिनको भी ऐसा लग रहा था कि इसको लगाएंगे रातों रात गोरे हो जाएंगे, तो ये गोरा करने वाली क्रीम नहीं है, ये आपके स्किन टोन को हल्का नहीं करेगी। आप इसको चाहे कितना ही टाइम यूज कर ले, ये ना के बराबर आपके स्किन टोन को लाइट करेगी, आपको ये हाइड्रोक्विनोन वाला इफेक्ट तो नहीं देगी, जहां तक मैंने इसको नोटिस किया है, क्योंकि मैंने इसको यूज कर रखा है 4 साल 4.5 साल पहले और मेरे को इसने ब्लैक कर दिया था बेसिकली, तो मेरा तो डिजास्टर था। और ये तब से मैं इसको अपने पास रखे हुई हूँ, लेकिन आप इसको यूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन ही यूज कीजिएगा। एंड ऑल्सो डे टाइम में सनस्क्रीन एंड मुंह पे कपड़ा बांध कर ही बाहर निकलना है, धूप में, भादों के मौसम में बिल्कुल भी इसको यूज ना करें, नाइट टाइम में यूज करें, डे टाइम में नहीं। ओके, सो दिस इज द टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट डीमिलान क्रीम, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, जय हिंद, बाय बाय।